हेलो फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल पनीर भुर्जी बनाने जा रही हूँ। आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेशल पनीर भुर्जी बनाने के लिए हम एक स्पेशल ग्रेवी बनाएंगे, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसन और दही से बनेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें सूखा ही बेसन भूनेंगे बिना घी तेल के। बस 2-3 मिनट लगते हैं इसको भूनने में, बहुत जल्दी से भून जाता है। इसका कच्चापन हमको निकालना होता है। ये देखिए बेसन भून चुका है, इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया था। अब हम गैस बंद कर देते हैं। और इसको बेसन को हम एक बोल में निकाल लेंगे। ये हमारा स्पेशल मसाला बन रहा है स्पेशल पनीर भुर्जी के लिए। अब इसमें हम ये हमने आधा कप दही ली थी वो भी हम इसमें मिला देंगे। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये सब मसाले हम इसमें मिला देंगे। अभी हमारा मसाला पूरा तैयार नहीं हुआ है। अब हम 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हम गैस जला देते हैं और तेल को अच्छे से जला लेंगे, जिससे कि इसमें तेल की महक ना रहे। देखिए तेल गर्म हो चुका है, धुआं निकल रहा है इसमें से। अब हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच पूरा, और इसको हम इसी मसाले में मिला देंगे जो हमने बेसन और दही का तैयार किया था। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा पतला करेंगे, इसमें हम 1/2 कप पानी मिलाते हैं। इसको अब हम अलग रख देंगे एक तरफ। पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें पहले करीब 1 चम्मच घी डालेंगे। आप पूरा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मक्खन से इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैंने घी इसलिए डाला है कि मक्खन जले ना। अब हम इसमें, ये मैंने 50 ग्राम मक्खन लिया था, ये मैं अभी पूरा नहीं डालूंगी इसमें। ये हम इसमें ये मक्खन डाल देते हैं। बस ये मक्खन पिघलना शुरू हो गया। हम ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, नहीं तो मक्खन जलने लगता है। अब हम इसमें ये हमने 3 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, वो डाल देते हैं। साथ ही में हम इसमें ये 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। प्याज को हम 2-3 मिनट भूनेंगे, हमको पूरा लाल नहीं करना है इसको, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए प्याज हो चुके हैं, बस 2 मिनट में हो जाते हैं, हमें ज्यादा लाल नहीं करना है इसको। अब हम इसमें ये अदरक, जो हमने 1 चम्मच करीब कटा हुआ अदरक लिया है, और ये हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। ये जो टमाटर मैंने लिया था, 1 बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी डालेंगे। और थोड़ा सा टमाटर मैश हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे।
ये देखिए टमाटर मैश होना शुरू हो गया है। तो इस बात का ध्यान रखें, इसमें प्याज और टमाटर हमको दोनों काट कर ही लेना है, इसको पीस के नहीं लेना है, तभी इसका टेस्ट आएगा। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया था और एक बड़ा टमाटर, दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने सब चॉप करके डाला है। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च डालूंगी, ये मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें ये वाला मसाला डालेंगे, ये दही और बेसन का जो हमने ग्रेवी बनाई थी, इसको हम इसमें डाल देते हैं। टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं, इसको हम घी छोड़ने तक भूनेंगे, जब तक घी नहीं छूटता। ये देखिए ग्रेवी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ये एक कप पनीर लिया था, ये मैंने घर में ही बनाया है, इसको डाल देंगे। आप अगर बाजार से लाते हैं तो उसको मैश करके डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने ये मक्खन में फ्राई किया है सर, तो आप नमक थोड़ा ध्यान से डालें। इसको हम 2-3 मिनट और भूनेंगे। अब हम इसमें ये आधा कप फ्रेश क्रीम डालते हैं, अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा धनिया, ये भी हम इसमें डालेंगे और इसको फिर से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब नमक और मसाले आप टेस्ट कर लें, जो भी कम है वो और डाल दें, मिर्ची जैसी खाते हैं वैसे डालें। अगर दही खट्टी है तो आप नींबू ना डालें, मैंने जो इसमें दही डाला है वो खट्टा नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डालूंगी। मैंने इसमें एक नींबू डाल दिया है। बस हमारी पनीर की सब्जी तैयार है, अब हम इसको सर्व कर देते हैं। ये देखिए पनीर भुर्जी बनकर तैयार है, अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे इसमें, अब थोड़ा सा धनिया, और ये हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च है हमारे पास, हम इसको इससे गार्निश कर देते हैं, और अदरक के जूलियंस। ये देखिए बहुत बढ़िया भुर्जी बनकर तैयार हुई है, आप सब लोग बनाएं। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर करें, मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।